नमस्कार साथियों, नरेश सिंह मित्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हां दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट या सबसे पहले देखने को मिलती है। तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई कि 32,755 पदों पर भर्ती की जाएगी और 8 विभागों में ये भर्तियाँ हैं। और विभाग कौन कौन से हैं, कौन से विभागों में ये भर्तियाँ हैं, कितने पदों पर है, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें, ताकि ऐसे ही भर्तियों से जुड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए बढ़ते हैं क्या पूरी अपडेट। और जी हां दोस्तों, देखिए केंद्र व राज्य सरकार ने 8 विभागों में भर्तियां निकाली है और नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिए गए हैं। और 2 माह में 32,000 से ज़्यादा पदों पर ये भर्तियाँ हैं। और सबसे ज़्यादा भर्ती की बात करें तो सफाई कर्मियों के 27,000 पद हैं। और लंबे समय से सरकारी नौकरी का तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि केंद्र व राज्य सरकार की भर्ती एजेंसियों ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए और 8 विभागों में 32,755 पदों पर भर्ती के ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आवेदन की अंतिम तिथि मार्च व अप्रैल तक रहेगी और इसके बाद एजेंसियों द्वारा लिखित परीक्षा के साथ अन्य दक्षताएं परीक्षा भी करवाई जाएगी। और सबसे ज़्यादा भर्ती रास्ते में नगर निकाय में विभाग में सफाई कर्मचारियों की 24,797 पद हैं। और नगर निकाय विभाग में सफाई कर्मचारियों की भर्ती छोड़कर सभी पदों में अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और इसके लिए एजेंसियों द्वारा जल्दी परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। और दोस्तों देखिए, इसमें विभाग कौन कौन से है, सबसे पहले बात करें तो इसमें दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से है ये स्नातक शिक्षक 5,118 पदों पर ये भर्ती है। और दोस्तों देखिए, उसके बाद में है राजस्थान महिला पर्यवेक्षक भर्ती और इसकी अंतिम तिथि है 15 मार्च से शुरू होकर परीक्षा की अंतिम तिथि है जो 22 जून तक है। और इसमें दोस्तों देखिए, और आरपीएससी संस्कृत विभाग में 347 पद हैं और 6 मार्च तक आवेदन। और आयु की बात करें तो इसमें अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है और योग्यता की बात करें तो स्नातक के साथ संबंधित विषय से रखी गई है। और दोस्तों देखिए, वहीं आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के 300 पदों पर ये भर्ती की जाएगी और आवेदन 20 मार्च से शुरू। और इसी के साथ ही प्रोफेसर के 62 पदों पर ये भर्ती होगी, 28 मार्च से आवेदन होंगे। और आरपीएससी कृषि अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती है, इसके आवेदन है जो 7 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेंगे। और दोस्तों उसके बाद में देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नर्स के 1930 पदों पर ये भर्ती की जाएगी, 27 मार्च तक आवेदन होंगे। तो जानकारी अच्छी लगी, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।